गतिरोध टालने की कोशिशें, जर्मनी के चांसलर मास्को पहुंचे। पुतिन बोले युद्ध नहीं चाहते। दो महीने बाद जगियास यूक्रेन सीमा के कुछ क्षेत्रों से रूस की सेना बैरक लौटी। गतिरोध से सऊदी अरब को फायदा, भारत के लिए परेशानी। करीब दो महीने से चला आ रहा यूक्रेन संकट में कुछ नरमी आने का मंगलवार को पहला संकेत मिला। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनशेकोव ने कहा कि यूक्रेनी सीमा के पास सैन्य जिलों से तैनात कुछ सैनिकों को ट्रेनों और ट्रकों पर लादकर वापस उनकी बैरकों में भेजा गया है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि काला सागर में बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास जारी रहेगा। सेना घटाने की घोषणा जर्मन चांसलर ओल्फ शुल्ज के रूस पहुंचने के साथ ही कर दी गई है। उनसे मुलाकात के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम यूरोप के साथ युद्ध नहीं चाहते, पर नाटो को लेकर कीव का मसला तुरंत हल किया जाना चाहिए, उसे नाटो का सदस्य न बनाया जाए। शुल्ज ने कहा कि वार्ता जरूरी है, रूस का सेना हटाना स्वागत योग्य है। उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा हम सीमा पर देखेंगे कि रूस ने कितने सैनिक हटाए, तब यकीन करेंगे। संकट टालने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस से लेकर अमेरिका तक कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। एक दिन पहले ही ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो मॉस्को गए थे। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए ये कदम हताशा भरा है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ने भी संकेत दिया था कि वो पश्चिमी देशों से बातचीत के लिए तैयार है।